हेलो एंड वेलकम टू प्रिंस सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। माय नेम इज डॉक्टर संचित। आप सभी का स्वागत है प्रिंस सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे। हम एक सीरीज कर रहे हैं जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं और हमारा सब्जेक्ट है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री से अभी तक हमने 2013, 14 एंड 15 के क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लिए हैं यूपीएससी प्रीलिम्स। 2016 का हमने स्टार्ट किया है, पार्ट 1 डिस्कस कर लिया है और अब हम नेक्स्ट पार्ट पे पहुंच चुके हैं, दैट इज पार्ट 2। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज वॉच द प्रीवियस वीडियोस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपको एक पैटर्न पता चलता है, यू गेट टू नो व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड, प्लस साथ ही साथ कौन से टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज चांसेस होते हैं कि उन्हीं टॉपिक में से आपका क्वेश्चन आ जाता है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 1 से लेके 5 तक हमने पार्ट 1 में कर लिया है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्लान ऑफ Sir Stafford Cripps envisaged that after the Second World War, देखिए 1942 में Sir Stafford Cripps इंडिया में आते हैं, क्रिप्स मिशन कहलाता है वो, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि बेसिकली इसका पर्पस क्या था, उसने क्या प्रोवाइड किया। आपके ऑप्शंस हैं इंडिया शुड बी ग्रांटेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस, इंडिया शुड बी पार्टीशन्ड इनटू 2 बिफोर ग्रांटिंग इंडिपेंडेंस, 2 भागों में डिवाइड कर देना चाहिए इंडिपेंडेंस मिलने से पहले। थर्ड, इंडिया शुड बी मेड अ रिपब्लिक विद द कंडीशन दैट शी विल जॉइन द कॉमनवेल्थ, थर्ड उसको रिपब्लिक बना देना चाहिए। इंडिया शुड बी गिवन डोमिनियन स्टेटस। तो ये आपका ऑप्शंस है। 1942 में देखिए, थोड़ा सा बैकग्राउंड प्रोवाइड कर देता हूं। 1942 वर्ल्ड वॉर 2 सेकेंड आपका चल रहा है और इसमें ब्रिटेन अब बैकफुट पे है, उसको डर है कि जापान आपका इंडिया पे इन्वेजन ना कर दे, प्लस साथ ही साथ जो उसके अलाइज हैं स्पेशली यूएस, वो प्रेशराइज कर रहा है कि उसको अब इंडिया की सपोर्ट लेनी चाहिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर। तो इसी के चलते आपका एक मिशन भेजा जाता है जिसको क्रिप्स मिशन बोला जाता है। इंडिया में वो आता है, उसके हेड होते हैं सर स्टैफर्ड क्रिप्स और वो कुछ प्रोविजन आपके लेके आता है। तो यहाँ पे अभी आंसर देख लेते हैं दैट स्टैफर्ड क्रिप्स का जो मिशन था उसने इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देने की बात कही, तो ये आंसर यहाँ तक सही है। बट इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें उसने प्रोवाइड किया था, जैसे कि आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया जाएगा। अब यहाँ पे पहली बार ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्रिप्स मिशन में ये बात कही गई कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा वो सोलली इंडियंस डिसाइड कर सकते हैं, सो दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके अलावा एक और बात आपको बता दूं दैट जो इसने बात करी डोमिनियन स्टेटस देने की, इसी की वजह से आपका मेनली ये फेल हो गया था। अब यहाँ पे डोमिनियन स्टेटस की तो बात बहुत पुरानी हो गई है, हम आपका बात कर रहे हैं कंप्लीट इंडिपेंडेंस की। तो अगर ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करता तो शायद हम इसको एक्सेप्ट कर लेते, बट यहाँ पे इसने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की तो बात नहीं करी, डोमिनियन स्टेटस देने की बात करी, इसी के चलते आपका क्रिप्स मिशन आपका फेल हो जाता है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ईयर इज 1942 एंड स्पेशली प्लीज फ्रेंड्स 1940 से लेके जो आपका 1947 है इसमें बहुत कुछ हुआ था। स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज बिटवीन द ईयर्स, कौन पहले आया कौन बाद में आया, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये स्पेशली जो डेकेड है 1940s वाली, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। So that was the one question. Next question, Banjaras during the medieval period of Indian history were generally, देखिए बंजारा एक ग्रुप था, तो यहाँ पे पूछा गया है कि वो कौन थे, उनका काम क्या था, क्या वो एग्रीकल्चरिस्ट थे, वॉरियर्स थे, वीवर्स थे या ट्रेडर्स थे। तो सिंपल क्वेश्चन है, अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाया जाए तो यस, बंजाराज आर ट्रेडर्स और स्पेशली नोमैड्स, एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले, एक जगह ना सेटल होने वाले जो क्लास है, जो ऑक्यूपेशन ग्रुप है, वो बंजारास कहलाता था। और यहाँ पे थोड़ा सा और बता दूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेडर नोमैड्स थे और इनकी जो कैरवा था उसको टांडा बोला जाता था। और तो और अलाउद्दीन खिलजी और जहांगीर ने भी आपका इस ग्रुप को यूज किया था ट्रांसपोर्टेशन गुड्स का। और यहाँ पे ये जो फूड ग्रेन ट्रांसपोर्ट करना था मुगल आर्मी का कैंप्स के तरफ जाने के लिए, वो भी आपका बंजारास की ड्यूटी होती थी कि आपको पैसे दिए जाएंगे, आप इसको ट्रांसपोर्ट कीजिए, बिकॉज देवर नोमैडिक कम्युनिटी, एक जगह से दूसरी जगह आपके घूम के वो ट्रांसपोर्ट करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैड फर्स्ट डिसिफर्ड द एडिक्ट्स ऑफ एम्परर अशोक? किसने सबसे पहले जो एम्परर अशोक है, मॉरन रूलर है, उनका जो एडिक्ट है, जो वो संदेश देते थे, जो इंस्क्रिप्शन थी, उस पे जो लिखा गया, सबसे पहले किसने उसको डेसिफर किया? आपके ऑप्शंस हैं जॉर्ज बिलर, जेम्स प्रिंसेप, मैक्स म्यूलर या विलियम जोन्स। यहाँ पे एनसीईआरटी अगर आप पढ़ें तो वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है जेम्स प्रिंसेप, और ईयर था 1838। जेम्स प्रिंसेप ने आपका अशोकन एडिक्ट्स, उसमें जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है उसको डेसिफर किया था। डेसिफर का मतलब है लिखा हुआ है कुछ, वो अब क्या कहना चाहता है, उसका मतलब क्या है, अल्फाबेट्स किसके लिए स्टैंड करते हैं, सिंबल्स होते हैं कुछ, जैसे कि आपका जो अल्फाबेट्स हैं वो किसी ना किसी साउंड या के लिए स्टैंड करता है, तो ब्राह्मी का जो स्क्रिप्ट है उसमें जो सिंबल्स हैं वो किसके लिए स्टैंड करता है, ये आपका जेम्स प्रिंसेप ने आपका पहली बार डिसाइफर किया था, विच ओपनड अप द होल वर्ल्ड ऑफ नॉलेज। अब यहाँ पे एक और चीज बता दूं आपको, जैसे ब्राह्मी का नाम आया तो अगर आपसे पूछा जाए इंडिया की ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट कौन सी है, तो वो है आपका आईवीसी का स्क्रिप्ट। बट यहीं पे अगर आपको पूछा जाए ओल्डेस्ट प्लस डेसिफर्ड स्क्रिप्ट कौन सा है, जिसको हम समझ पाए हैं, वो कहना क्या चाहते हैं, तो उसका आंसर है आपका ब्राह्मी। वैसे ओल्डेस्ट आईवीसी है, बट उसे डेसिफर नहीं किया जा सका है अभी तक, डेसिफर मतलब समझा नहीं जा सका है, तो दैट इज द ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, आईवीसी का स्क्रिप्ट। उसके बाद अगर ओल्डेस्ट डेसिफर्ड स्क्रिप्ट की बात की जाए, दैट इज योर ब्राह्मी स्क्रिप्ट। तो दैट्स अ वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन, और ये आपको एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी में मिल जाएगा। ईयर आपको पता है 1838। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्मिनोलॉजी। In the context of history of India, consider the following pairs. एक तरफ आपको term दिया गया है, दूसरी तरफ उसका description पूछा गया है कि which is correctly matched. सबसे पहले इरिपत्ती, land revenue from which was set apart for the maintenance of the village tank. Land revenue का वो हिस्सा जिसको village tank के maintenance के लिए रखा जाता था। Teniers, villages donated to a single Brahmin or group of Brahmin. Third, घटिकास, कॉलेजेस जनरली अटैच टू द टेम्पल्स। तो यहाँ पे आपके ये टर्म है एक तरफ, दूसरा डिस्क्रिप्शन है। इसका सही जवाब है 1 और 3। देखिए इरापत्ती, अगर आप अच्छी तरह पढ़ें इसको तो बहुत ही क्लियर है कि इरापत्ती लैंड रेवेन्यू का वो हिस्सा था जो मेंटेनेंस ऑफ विलेज टैंक के लिए यूज किया जाता था। तीसरा देखिए घटिका, तो घटिका वो कॉलेजेस थे जो टेम्पल के साथ एसोसिएटेड थे, और ये चल के बाद में आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग सेंटर्स बनते हैं। यहाँ पे आपको संस्कृत में एजुकेशन दिया जाता था, तो 1 और 3 तो आना ही चाहिए। अब यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जहाँ पे 1 और 3 आपका हो कंबाइन, तो यस दिस मेक्स इट द क्वेश्चन, द आंसर इजी। बट दूसरी तरफ सेकेंड में आपका थोड़ा सा टिपिकल है। यस, जनरली क्या होता था, ब्रह्मदेया जो लैंड्स हैं, जो विलेजेस हैं, उसका उसमें फर्दर आपका पार्ट भी दिया जाता था, तो यहाँ पे उसमें जाने की जरूरत ही नहीं है, आपको 1 और 3 से आप सॉल्व कर सकते हैं। बट द पॉइंट टू बी नोटेड इज टर्मिनोलॉजी, चाहे वो आपका एंशिएंट हिस्ट्री हो, चाहे वो आपका मेडिवल हिस्ट्री हो, जो टर्मिनोलॉजी है वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स ऑफ एंशिएंट इंडिया हैज अ लव स्टोरी ऑफ सन ऑफ द फाउंडर ऑफ शुंगा डायनेस्टी या शुंगा डायनेस्टी? तो किस बुक में आपका शुंगा डायनेस्टी का जो फाउंडर है उसके सन की लव स्टोरी मेंशन्ड है? तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं स्वप्न वस्वदत्ता, मालविका अग्निमित्र, मेघदूत, रत्नावली। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन, फैक्चुअल, मालविका अग्निमित्र। सो आपको पता होगा शुंगा डायनेस्टी के फाउंडर पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग, और उनके बेटे का नाम था अग्निमित्र। अब यहाँ पे यू कैन, अगर आपको अग्निमित्र पता हो तो मालविका अग्निमित्र, तो यहाँ पे अग्निमित्र की लव स्टोरी आपका लिखते हैं। कालिदास जी का ये बहुत ही फेमस प्ले है। उसके अलावा थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन दे दूं, This was written by Bhasha, कालिदास जी एंड रत्नावली आपका लिखा था हर्ष ने। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, लिटरेचर से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो संस्कृत लिटरेचर हो, चाहे वो बुद्धिस्ट या जैन लिटरेचर हो। सो दैट वाज द पार्ट 2 ऑफ योर 2016। अब यहाँ पे एक बार देख लीजिए रिकैप, क्विक रिकैप। क्रिप्स मिशन 1942, वहां से क्वेश्चन आया, टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन आया, बंजारा टर्म, अरिपत्ति, तनियर्स एंड घतिकास। फिर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, जेम्स प्रिंसेप, जिन्होंने आपका डिसिफर किया ब्राह्मी स्क्रिप्ट को। और लिटरेचर से क्वेश्चन आया, जो लास्ट क्वेश्चन था, मालविका अग्निमित्र। तो ये था आपका पार्ट 2 2016 का। इसके बाद पार्ट 3 करेंगे सॉल्व, जहां पे हम क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे फ्रॉम 2016। थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।